मुंबई की मारूफ शख्सियत बाबा सिद्दीक की फायरिंग में हुए जख्मी, दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। वाकई महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी पर हफ्ते की रात नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इन्हें फौरी तौर पर लीलावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इनकी हालत तश्वीशनाक बताई जा रही थी। ज़राए के मुताबिक इन पर 3 गोलियां चलाई गई थी और इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, दौरान इलाज इनकी मौत वाक़ हो गई। बाबा सिद्दीकी ने अपनी जवानी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन फरवरी में इन्होंने अपनी 48 साल सियासी वाबस्तगी ख़त्म करके अजीत पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने कहा कि मेरी हालत कांग्रेस में इस मसाले की तरह थी जो खाने के जायके को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस में मुझे इसी तरह इस्तेमाल किया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा से कांग्रेस के MLA हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हैदराबाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।